हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 21वें श्लोक को पढ़ रहे और उसको समझने की कोशिश कर रहे। तो भगवान ने श्री उद्धव जी को आत्मज्ञान के मार्ग का जो है ज्ञान प्रदान किया और वे जो है वहां से उद्धव जी वहां से यमुना के तट पर आ गए जहां उनका मिलन जो है विदुर जी से हुआ। आगे यहाँ पे बता रहे हैं उद्धव जी विदुर को कि हे विदुर, अब मैं उनके दर्शन से मिलने वाले आनंद के अभाव में पागल हो रहा हूँ। उद्धव जी विदुर से कह रहे हैं और इसे कम करने के लिए ही अब मैं संगति के लिए हिमालय स्थित बत्रिक आश्रम जा रहा हूँ जैसे कि उन्होंने मुझे आदेश दिया। भगवान ने उद्धव जी को आत्मज्ञान सबसे उत्तम ज्ञान जो है उद्धव जी स्वयं बताया और जब उन्होंने दर्शन लिए भगवान की संगति को उन्होंने प्राप्त किया जो भगवान ने इस प्रकार से वरदान दिया कि एकांत स्थान जब भगवान ने सब जो है इस धराधाम में उनकी लीला समाप्ति की अंतिम क्षण में जो है उन्होंने उद्धव जी को एकांत स्थान में सुंदर दर्शन दिए जो एक प्रकार से ये वरदान था उनको। और भगवान का दर्शन पाने के बाद वे कह रहे हैं कि अब वे वो है कि उनके विरह में मैं पागल हो रहा हूं। श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि तो भगवान हरे कृष्ण, सॉरी फॉर द इंटरप्शन।
श्री प्रभुपाद जी जो है अपने तात्पर्य में पांच चीजें बता रहे। पहला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उद्धव के स्तर का शुद्ध भगवत भाव एक साथ विरह तथा मिलन की दोहरी अनुभूति में निरंतर भगवान की संगति करता है। तो ये बहुत सुंदर वर्णन किया जा रहा है कि किस प्रकार अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ उद्धव कॉन्स्टेंटली एसोसिएट्स विद द लॉर्ड इन डबल परसेप्शन ऑफ साइमल्टेनियस सेपरेशन एंड मीटिंग। यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे कि किस प्रकार से उन्होंने भगवान के साथ सानिध्य प्राप्त किया और अभी भगवान नहीं है तो उनको भी रहा भगवान से दूर होने का जो विरह का अनुभूति हो रहा है। तो ये जो शुद्ध भक्त जो है उनके लिए ये दो प्रकार की कृष्ण लीला में ये दो प्रकार के अनुभव करते। एक है मिलन जिसको कहते हैं संभोग और दूसरा है विप्रलंब। संभोग मतलब यूनियन, संभोग मतलब मीटिंग और दूसरा है विप्रलंब भगवान से वियोग का दुख, संभोग का आनंद और वियोग का। एक प्रकार का ये भाव है, ये भाव जो है भक्त अनुभव करता है ये विप्रलंब भाव। जैसे कि हम देखते हैं कि भगवान से मिलन श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये विप्रलंब जो है उसमें जो भगवान के प्रति जो लगाव जो है मिलन से ज्यादा बढ़ जाता है विप्रलंब। तो ये एक प्रकार का रस लव इन सेपरेशन। तो उसको कहते हैं विप्रलंब भाव। अंग्रेजी में कहते हैं कि द हार्ट ग्रोज फॉन्डर इन द एब्सेंस ऑफ द बिलव्ड। भक्त जो है भगवान से अति प्रेम करते हैं और जब भगवान दूर हो जाते हैं तो उनका प्रेम और भी बढ़ जाता है, भगवान को ही खोज। जैसे कि यहाँ पे उद्धव इस विप्रलंब भाव का अनुभव कर रहे हैं और वो कह रहे कि मैं तो पागल हो रहा हूं, पागल भगवान के दर्शन में तो देख के ही सब जो है पागल हो जाते, लेकिन भगवान के विरह में जो वो दूरी का एक अलग प्रकार का आनंद। जैसे कि हम देखते हैं कि अब रामनवमी में राम कथा चल रही है, इसमें हम देखते हैं किस प्रकार से भगवान जो है माता सीता से दूर हो गए वियोग। तो एक प्रकार का ये भगवान जो
श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि लॉर्ड राम वॉन्टेड टू गिव सीता द हाइएस्ट एक्सपीरियंस ऑफ लव, और ये विप्रलंब भाव जो है वो हाइएस्ट एक्सपीरियंस ऑफ लव, लव इन सेपरेशन। दर्शन में ओके दर्शन हो गए, लेकिन विप्रलंब भाव, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब दर्शन होगा, कब दर्शन होगा, वो जो भाव है वियोग का, भगवान से ये वियोग का, ये एक प्रकार का उच्च स्तर का भाव। Lord Ram wanted to give Sita the highest experience of love and separation. तो इसीलिए हम देखते हैं कि रामायण में भी, और भगवान जब लीला कर रहे थे गोपियों को, भगवान ने रास लीला के लिए बुलाया तो सब खुश हो गए भगवान का दर्शन, फिर भगवान अचानक अदृश्य हो गए, फिर भी वो सॉन्ग्स ऑफ सेपरेशन और फिर वापस समूह। तो वो जो आनंद है लव एंड सेपरेशन, वो सबसे हाईएस्ट प्रकार का भाव। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षण है इस विप्रलंब भाव से जो श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि a person who's advanced in Krishna consciousness always feels separation from Krishna because such a feeling of separation excels the feeling of meeting Krishna. श्री चैतन्य महाप्रभु जब श्री जगन्नाथपुरी में थे, उन्होंने यही शिक्षण दिया, ये विप्र लंब भाव में, लव इन सेपरेशन में। हम जो गौड़िया वैष्णव, हमारे आचार्य, हम कैसे पूछते हैं भगवान को, लव इन सेपरेशन, भगवान से प्रेम वियोग में प्रेम, वो वियोग का प्रेम जो है और भी गहरा होता है, और भी डीप होता है। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु इन हिज लास्ट 12 इयर्स ऑफ एक्सिस्टेंस विद इन द वर्ल्ड इन जगन्नाथपुरी टॉट द पीपल ऑफ द वर्ल्ड हाउ विद अ फीलिंग ऑफ सेपरेशन वन कैन डेवलप हिज डोमेंट लव फॉर कृष्णा। जो जब कुछ मिल जाता है फिर फिनिश, लेकिन अगर इसीलिए हमेशा मिले हैं, जैसे भगवान उद्धव जी को मिले हैं लेकिन नहीं मिला, नहीं और भगवान अदृश्य, भगवान नहीं है, फिर और भी उनका ध्यान, उनका स्मरण, हमारा स्मरण जो है और ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु टॉट द पीपल ऑफ द वर्ल्ड हाउ विद द फीलिंग ऑफ सेपरेशन वन कैन डेवलप डोरमेंट लव फॉर कृष्णा। Such feeling of separation or meeting with Krishna are different stages of love of Godhead. तो एक प्रकार का ये एक स्टेज, जैसे कि प्रेम की धारा, प्रेम की जो नदी जो बहती है, उस नदी का दो तट है, two embankments to the river of love of God. एक है संभोग और दूसरा है विप्रलंब। संभोग और विप्रलंब और विप्रलंब और संभोग, जैसे कि हम 10वें स्कंद में देखते हैं, मीटिंग सेपरेशन एंड मीटिंग, गोपियों का वर्णन किया गया है 10वें स्कंद। और ये कब इस प्रकार का विप्रलंब भाव, these feelings develop in time when a person seriously engages in devotional service.
ओनली सर्चिंग फॉर कृष्णा, जैसे गोपियां ढूंढ रही कहां कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे। द हाईएस्ट स्टेज इज कॉल्ड प्रेम भक्ति, बट दिस स्टेज इज अटेन्ड बाय एग्जीक्यूटिंग साधना भक्ति। तो ये साधना भक्ति से हम उस स्टेज पे जा सकते हैं। विवरण श्री चैतन्य चरितामृत में आदि लीला 13वां अध्याय श्लोक संख्या 39 में प्रभुपाद जी अपनी तरफ से द्वादश वत्सर शेष रहिल लीला चले प्रेमावस्था सिखाइले अश्वदाना श्री जगन्नाथपुरी में अपने शेष समय 12 वर्ष For the remaining 12 years, he stayed in Jagannath Puri. He taught everyone how to taste the transcendental mellows, ecstasy of love for Krishna by tasting it himself. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu, Swayam Bhagavan. Bhagavad Gita mein Bhagavan ne ye secret bata diya. Raga Bhakti ka सीक्रेट, पर उसको कैसे करें भगवान ने नहीं बताया। इसलिए भगवान जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। भगवान ने सबसे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज मन मना भव मद भक्तो मध्य जी माम नमस्कुर माम सर्वधर्मान परित्यज्ञ माम एकम शरणम रजाई, दिस मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो उसको कैसे करे और उसको कैसे उसका रसास्वादन किया जाए, ये जो है श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं उन्होंने हमें सिखाया है। तो यहाँ पे ये उद्धव जी, तो हम ये अभी इस स्टेज पे नहीं समझ कि कैसे वो पागल हो रहे हैं प्रलंब भाव में विरह में। तो श्रीमद् भागवत और से जैसे हम गुजरेंगे, फिर अंत में हम ये समझ पाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा झलक दर्शन हम ले सकते हैं श्री चैतन्य चरितामृत, और ये कैसा हो सकता है बाय एंगेजिंग इन डिवोशनल सर्विस। जब हम भक्ति भगवान की सेवा में लगेंगे तब ये जो है भाव जो है हमारे अंदर अपने आप नहाए स्टेज, और वो सबसे उत्तम स्टेज है प्रेम। श्रद्धा से शुरू अंतर अंतिम है भाव और प्रेम। तो ये जो है इसको आर्टिफिशियली नहीं करना। वन शुड नॉट ट्राई टू एलिवेट हिमसेल्फ आर्टिफिशियली टू द स्टेज ऑफ प्रेम भक्ति विदाउट सीरियसली फॉलोइंग द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ साधना भक्ति। तो ये साधना भक्ति को जब हम करेंगे ध्यान पूर्वक तब हम इस स्टेज पे। तो प्रेम भक्ति क्या है, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से समझा रहे इस श्लोक के तात्पर्य में। प्रेम भक्ति इज द स्टेज ऑफ रिलिशिंग रसास्वाद प्रेम भक्ति, और साधना भक्ति क्या है द स्टेज ऑफ इंप्रूविंग इन डिवोशनल सर्विस। वेरी वंडरफुल स्टेटमेंट बाय प्रभुपाद। व्हाट इज प्रेम भक्ति इज रिलिशिंग, व्हाट इज साधना भक्ति इंप्रूविंग इन डिवोशनल सर्विस। हम जो है साधना से हम जो है अपनी भक्ति को और अच्छा शुद्ध करते हैं, शुद्ध हो जाते हैं हम साधना भक्ति से।
और फिर जब हम प्रेम भक्ति के स्तर पर आते हैं तो हम उसका रसास्वादन कर सकते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये प्रेम भक्ति दिव सिखाई। श्री चैतन्य महाप्रभु टॉट दिस प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस इन फुल डिटेल बाय प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन हिज ओन लाइफ। प्रेमावस्था सिखाई ले आस्वादन अपने ही उदाहरण से उन्होंने जो है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु महावदनीयाय कृष्ण कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने श्री चैतन्य महावदनीयाय श्री कृष्ण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में महावदनीयाय अवतार विप्रलंब भाव हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव ऑफ गॉड। जब कुछ मिल जाए जैसे कि हम कुछ चाहते हैं कुछ नहीं प्राप्त करना चाहते जब तक नहीं चाहते तब तक हमारी जो हमारा हाँ उसको चाहने के लिए बहुत हमारा मन हमारा सब कुछ उनको प्राप्त करने के लिए लग जाता है। कभी दिनों तक नहीं मिलता कभी सालों तक कभी जन्म जन्मांतर तक नहीं मिलता लेकिन हमारी लालसा हमारी इच्छा उस चीज के लिए अगर मिल जाए तो फिनिश। कुछ भी चीज देखो इस भौतिक जगत में आई वॉन्ट दैट कार टिल यू डोंट गेट इट देयर इज सो मच ऑफ वंस यू गेट इट देन फिनिश खत्म। आई वॉन्ट तो जितना उस भोग में भोगने में आनंद नहीं जितना उस चीज को पाने के लिए हमारा मन इसीलिए ये भाव जो है उसमें हमेशा हमारा मन जो है भगवान में लगा और भगवान वही चाहते इसके लिए भगवान जल्दी आ क्योंकि वे चाहते हैं अपने भक्तों की चाह को बढ़ाए। वो दूर होते रहते जैसे कि लगता है कि अभी नजदीक हो गए वो दूर हो जाए ताकि हम हमेशा के लिए क्योंकि ये हमें इस भव बंधन से मुक्त कर द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिकल है। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त के भाव में भक्त कैसा होना चाहिए भक्ति कैसे करनी चाहिए हमारे हाथ पकड़कर उन्होंने समझा। He instructed the entire world how one can execute devotional service and thus go back home back to God in due course of time। और श्री चैतन्य जो है जो भगवान स्वयं है वे किसके भाव में है श्रीमती राधा और श्रीमती राधा रानी हमेशा ढूंढ रहे राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा राधा ढूंढ रही श्री राधा रानी हमेशा भगवान को ढूंढती रहती। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का यही भाव ढूंढ रहे हैं लागे वृंदावन नी को हरि मोहे लागे वृंदावन नी। तो किस प्रकार से राधा रानी कुंजन कुंजन फिरत राधिका कुंजन कुंजन फिरत राधिका
प्रकाश, शब्द सुनत मुरली को लागे वृंदावन अनेक। राधा रानी हमेशा भगवान को ढूंढ रही है, तो द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, द फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन नॉट मीटिंग, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षण है, संभोग नहीं विप्रलंब। द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस टॉट बाय लॉर्ड चैतन्य एंड हिज डिसाइपलिक सक्सेशन, हाउ टू फील सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा, हाउ टू फील सेपरेशन। हमारे गोस्वामी, ये राधा रानी का पोजिशन, राधा रानी हमेशा भगवान को ढूंढती रहती, भगवान के विरह को अनुभव। और हमारे सद गोस्वामी भी है, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमने कृष्ण को देखा, हालांकि देख रहे लेकिन अभी कभी ऐसा नहीं किया कि हमने देखा। सबसे उत्तम श्रेणी के भक्त मंजरियां हैं, कभी बोला नहीं हमने कृष्ण को। ये सब जो क्या कह रहे हैं, हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कूटा, हे राधे, हे राधा रानी कहाँ है आप, कहाँ है, कहाँ है नंद सूता, कहाँ है, ढूंढ रहे हैं। तो वे अपने परिपक्का अवस्था में, वे वृंदावन में रह रहे, और इस प्रकार से वंदे रूप सनातन रघु युगो श्री जीव गोपाल को, हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो सुत। सोचिए ऐसा नहीं है कि वे ऐसे अनुभव कर, वे हमेशा विरह में ढूंढ रहे। गोवर्धन कल्प पाद पटले कालिंदी वने कुटा, क्या वे गोवर्धन के नीचे, क्या वे कालिंदी के तट पे, कहाँ ढूंढ रहे। तो इस प्रकार से यही भाव है श्री सद गोस्वामियों का, और यही हमें शिक्षण। तो ये शिक्षण जो है इस श्री चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने हमें बताया कि हमें भगवान को ढूंढना है, हमेशा भगवान कभी भी हमारी दृष्टि से दूर ना हो, और अगर हो गए तो ढूंढना, ये भाव विप्रलंब। द मोर यू फील सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा, यू शुड अंडरस्टैंड दैट यू आर एडवांसिंग। डोंट ट्राई टू सी कृष्णा आर्टिफिशियली। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें ऐसे आर्टिफिशियली योग के स्तर पर हमें आना है, तो हम जान सकेंगे कि हम जो है हमारा लेवल, ये लेवल ऊंचा लेवल, और वो कहाँ से शुरू होता है,
साधना भक्ति स्थल। और यही बात जो है श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षा में और कोई नहीं कुछ नहीं दिया, यही विप्रलंब भाव। और शिक्षास्तकम में ये जो ये दो चीजें बताई है श्री चैतन्य महाप्रभु में, दो श्लोकों में उन्होंने बताया। पहला है कि भक्त का भाव कैसा है, एक्सटर्नल सिम्टम्स क्या है जो यहाँ पे हम देख रहे हैं उद्धव में, वो सब सिम्टम्स आ रहे हैं। फिर अश्रु बह रहे थे, पहले कुछ लोग पहले हमने देखा भगवान के वियोग में अश्रु, अब वो वियोग में नहीं सहन हो रहा है। इस श्लोक में भी वे कह रहे कि वो पागल हो रहे हैं, एक्सटर्नल सिम्टम्स। ये श्री चैतन्य मां नयनम गलद अश्रु धारया वदनम गदगदा हृदया, जब विदुर उनको मिले वे बोल नहीं सके, प्रेम से गदगद, जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने उनका कंठ तो है बोल नहीं पा रहे, जगन्नाथ गज गज जग 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 नाम है प्रेम। नयनम गलद अश्रु धारय वदनम गदगदा हृदया गिरा पुलके निचितम वापु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्य। आपके नाम नयनम गलद अश्रु, अभी श्री चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज जी बताते कि माय डियर लॉर्ड व्हेन विल माय आईज बी ब्यूटीफुली ब्यूटीफाइड, तो ये ब्यूटी ऑफ आईज है, प्रेमंजन क्या है, टीयर्स ऑफ ब्यूटीफाइड बाय फिलिंग विद टीयर्स दैट कॉन्स्टेंटली ग्लाइड डाउन एज आई चैंट द होली नेम। तो ये सब शक्ति हरि नाम में है, ये परम स्थान जो है स्टेज को हम प्राप्त कर सकते हैं हरि नाम। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन सबके बीच में बांटा मुफ्त में, जैसे कि कल चर्चा हो रही थी कि किस प्रकार से कौन योग्य है कौन अयोग्य है, कौन कोई समर्थ है या न समर्थ है, सबके बीच में बिना कोई भेद और भाव सबके बीच में श्री चैतन्य ने जो ये प्रेम का जो भंडारा है उन्होंने फोड़कर सब लोगों के बीच में मुफ्त में ये हरिनाम का प्रेम धन। इस can this stage can be achieved by constantly chanting the holy name of the Lord with complete attention and devotion. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. ये महामंत्र है और कोई मंत्र नहीं है जो हमें ये प्रेम के स्तर पर पहुंचा सकता, ये हरि नाम ही है। बोलो केरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, तो इस हरि नाम को हमें परफेक्ट करना है, ये है परफेक्शन ऑफ डिवोशनल सर्विस। बट योर लॉर्ड व्हेन विल माय आईज बी डेकोरेटेड बाय फिलिंग विद फिल्ड विलिंग विद टीयर्स दैट constantly glide down as I chant your holy name, when will my voice falter and all the hairs on my body stand erect in transcendental happiness as I chant your holy name, tab hoga. So ye aage
प्रेम के धन के बिना। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रेमा धना बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वतीना मोर देह प्रेम धना। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, विदाउट लव ऑफ गॉड माई लाइफ इज यूजलेस, नो यूज, कोई मतलब नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु इस उच्च स्तर का हमें शिक्षण है। Therefore, I pray that you accept me as your servant. दास करी वेते ना, मुझे दास बना दो, आपका नौकर बना दो। और आप ऐसा करो, इस नौकरी के लिए आप मुझे क्या दो पगार? क्या चाहिए? प्रेम का धन। इस नौकरी के लिए आप हमें जो है प्रेम का धन प्रदान कीजिए। यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे, Therefore I pray that you accept me as your servant and give me the salary of ecstatic love of God. बस तब मेरी दरिद्रता जो है खत्म हो जाए। ये एक्सटर्नल सिम्टम, नयनम गलत अश्रु धारया। इंटरनल सिम्टम्स क्या है? युगायतम निमिषेन चक्षुषा प्रहरिषायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद वीर हे नमे। ये इंटरनल, माय लॉर्ड गोविंदा, बिकॉज ऑफ सेपरेशन फ्रॉम यू आई कंसिडर इवन अ मोमेंट a great millennium. You got a nimishe chakshusha brahmasaya shunyaitam jagat sarvam. Ye jagat shunya hai Govinda, aapke bina ye jagat shunya hai. My dear Govinda, because of separation from you I consider a moment to be great. Tears are flowing from my eyes like torrents of rain and I see the entire world as void. Void. So this is the separation, the mood of separation. तो इसीलिए हमारी साधना void हो जाता है. World is void, मतलब न धनम न जनम न सुंदरिम न कविताम वा जगदीश कामे मम जन्मनी जन्मनी ईश्वरे भक्ता भक्तिर अहेतुकी त्वयि। I can wait lakhs of years. मम जन्मनी जन्मनी ईश्वरे, but I will never want to be separated. I cannot be the separation. I can wait lakhs and lakhs of lifetime. But I have only one aspiration. Mama Janmani, Janmani Ishware Bhautad Bhakti Ahetu Kitwe. Unmotivated, jaise kal humne baat. Srimad Bhagavatam. Aur bhakti kaisi honi chahiye? What are the two things? Kisi ko yaad hai? Yes, Jayashree. Unmotivated. Sorry. तो ये जो है विप्रलम्भाव, ये डिटेल में ये हम थोड़ा सा इनसाइट ऑफ लॉर्ड चैतन्य टीचिंग, लेकिन ये डिटेल में श्री चैतन्य चरितामृत में हम पाएंगे और हमारे आचार्यों ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, पर ये सब जो है एक ही रास्ता है।
शुरू करना है, पहला कदम है ये हरि नाम संकीर्तन। Nothing else, no listening to anything, no listening. Only Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Shri Chaitanya Mahaprabhu Swayam Bhagavan ne hame ye diya hai. ये हरि नाम संकीर्तन, नाम नाम कारी बहुदान निज सर्व शक्ति, भगवान कह रहे मैंने सारी शक्ति इसमें डाली है, पर दुर्दैवमिव दशमीय जाने नानुराग, फिर भी हमें कोई अनुराग नहीं, क्योंकि इतना सरल सुगम और पोटेंट। बड़े बड़े व्रत करने के लिए हम तैयार है, नंगे पैर चल के जाने के लिए तैयार है, बहुत सारी कष्ट हम उठा रहे हैं, लेकिन शांति से बैठ कर इस कलयुग में भगवान ने स्वयं दिया है ये हरि नाम, अगर हम सिर्फ उसको लें तो सभी क्लेश अग्नि से हम मुक्त हो सकते हैं। रुपिया भी कहती है कि ये जो भगवान का नाम ही, तो अब यहां पे आगे जो है दूसरा पॉइंट, शुद्ध भक्षण भर भी भगवान की दिव्य सेवा से विरत नहीं होता, क्षण भर के लिए, क्योंकि भगवान बताते सततम कितयन्तु मां मज्जित मद्गत प्राण मोदयन्त परस कतयन्तस्तमाम इत्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। शुद्ध भक्त क्षण भर की भी भगवान की दिव्य सेवा के व्यर्थ नहीं होता। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, भगवान की सेवा करना ही शुद्ध भक्त का मुख्य कार्य है और कोई कार्य नहीं है। These are instructions of Prabhupada. These points are very purport, is very powerful. इस purport में Prabhupada जी ने बहुत सारी चीजें बताई है, अगर इसको फॉलो करेंगे तो हम भक्ति में आगे बढ़ सकते। शुद्ध भक्त क्षण भर भी भगवान की दिव्य सेवा से विरत नहीं होता, भगवान की सेवा करना ही शुद्ध भक्त का मुख्य कार्य है। हर समय भगवान तन मन धन सवय मन कृष्ण पदारविंद वासां श्री वैकुंठ गुणान वर्णने। इस प्रकार से हम जानते हैं, पर हमें ये बार बार याद रखना है, स्मरण करना है बार बार, इसीलिए प्रभुपाद जी बताते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं। पॉइंट को भूलना नहीं है, वापस वो पॉइंट पे आना है, यहाँ वहां जाके वापस वो पॉइंट पे आना है। उद्धव को भगवान का वियोग असहज था, अतएव भगवान के आदेश का पालन करने के लिए ही वे बद्रिका आश्रम के लिए चल पड़े, क्योंकि भगवान का आदेश तथा भगवान अभिन्न है। तो भगवान का आदेश और भगवान अभिन्न है। मन मनाभ मद भक्तो मध्य जी मजगुरु सर्वधर्मान परित्यज्ञ माम एक शरणम व्रज। भगवान में कोई अंतर नहीं है, उसको करने से उसका पालन करना है। और जैसे कि उद्धव यहाँ पे जो भगवान ने बताया था, उनका आदेश पालन करना जरूरी है। भगवान का आदेश हम यथारूप अगर पालन करें, अपना आइडिया लगा के डिस्ट्रॉट करके अपने मन से अगर हम करेंगे तो फिर उसका जो फायदा है नहीं मिले। क्योंकि आजकल हम हमारा ये कलयुग में यही स्वभाव है, सब शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट चाहिए। तो एवरीबडी डजंट लाइक टू बी शॉर्ट चेंज्ड, बट भक्ति में सब लोग शॉर्ट चेंज्ड है, वेरी प्रॉब्लम। वैसा नहीं,
भगवान का आदेश, जैसे कि यहाँ पे उद्धव जी, जब तक मनुष्य भगवान के आदेश का पालन करने में सचेष्ट रहता है तब तक उस उनसे वास्तविक वियोग नहीं सताता। हमेशा भगवान हमारे साथ नहीं है, फिर भी नहीं है, और हमेशा जब हम उनके आदेशों का पालन करते, उनकी सेवा में लगते हैं, तो भगवान हमारे साथ है। जब हम भगवान के सेवा में नहीं रहते हैं, दूर हो जाते हैं, तो वियोग उत्पन्न होता है। जब ऐसा होता है तब हमें जान लेना चाहिए कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। दीज आर द यार्ड स्टिक्स टू मेजर। आई कैनॉट ब्रीथ विदाउट द सर्विस, आई कैनॉट लिव विदाउट चैंटिंग। मैं जी नहीं सकता, जीना मुश्किल है, घुटन सी होती है भगवान की भक्ति, भगवान का स्मरण, भगवान का सेवा के बिना घुटन जब महसूस होनी चाहे होना शुरू हो जाता है कि कब मिलेंगे भगवान, कब हम भगवान की सेवा में फिर से लग जाए, तो ये जब हम अनुभव करते हैं तब जानना चाहिए। तो उसका उपाय क्या है, जो यहाँ पे उपाय जो है उद्धव जी बता रहे हैं, और इसे कम करने के लिए क्या बोल रहे हैं, वियोग का कम करने के लिए एक ही उपाय है, क्या है, अब मैं संगति के लिए हिमालय स्थित बद्रिकाश्रम जा रहा हूं। तो ये जब वियोग होता है, इसीलिए कहते हैं साधु संग सर्वशास्त्र, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। I want to do devotional service, I want to serve Krishna, but I am not able. So what should you do? क्या करना चाहिए, यहाँ पे उपाय बताया जा रहा है, संगति के लिए हिमालय स्थित बद्रिकाश्रम जा रहा हूं, जैसा कि उन्होंने मुझे आदेश दिया है। तो भगवान ने आदेश दिया, तो भक्तों के लिए यही है, तव कथामृतम तप जीवनम कविभीतितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीयदादतम भुवि भीतये भूरिदाचन। तव कथामृतम, यही जो तप्त जीवनम, यही है भक्तों, the nectar of your words and the descriptions of your activities are the life and soul of those suffering in the material world. Kalmasha, these narrations transmitted by learned sages eradicate one's sinful reactions and bestows good fortune upon whoever hears them. Shravana Mangalam, Srimad Atatam, Srimad, filled with spiritual power. These narrations are broadcasted all over the world, are filled with spiritual power. Certainly those who spread the message of Godhead are the most munificent. Bhuvi granati bhuridajana, bhuridajana, bhuridajana.
ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।